International for your service. तो शॉर्ट फिल्म का नाम है जिग्सॉ और ये एक्चुअली मैंने करीबन 2 साल पहले लिखी थी. फिर मैं भूल गया, मेरे इनबॉक्स में पड़ा था, सड़ रहा था, आई फॉरगॉट अबाउट इट. एंड देन मैं अपने दोस्त देवराज से बात कर रहा था एक दिन, एंड देन वी वर जस्ट डिस्कसिंग डिफरेंट आइडियाज़, और सडनली इस टॉपिक को लेकर हमने बात शुरू की. तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, यू शुड मेक इट. सो आई एम लाइक, ठीक है, व्हाई शुड आई मेक इट, साथ में बनाएंगे, व्हाई डोंट यू डायरेक्टेड मैं इसमें एक्ट करता हूँ. एंड दैट्स हाउ द होल प्रोसेस स्टार्टेड. आई थिंक राइटिंग का पैशन मुझ में शायद एक्टिंग के पैशन से पहले है. मैं स्कूल के दिनों से लिखता आया हूँ, तो इट्स बिन रियली लॉन्ग एक्चुअली. स्कूल्स में हम लोग एनुअल डे पे प्लेज करते थे, तो उसके लिए मैं कई बार स्क्रिप्ट्स लिखता था. सो आई थिंक इट्स बिन देयर फॉर वेरी लॉन्ग. हाँ, वेल अभी तो आई थिंक इट्स जस्ट द बिगनिंग ऑफ माई करियर, तो देर आर मेनी थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, जैसे कि मुझे आगे जाकर फिल्म डायरेक्ट भी करने हैं, मुझे एंकरिंग भी करना है. आई वॉन्ट टू लॉट ऑफ थिंग्स, सो शायद गाऊंगा भी, नेवर नो. पीपल से आई एम अ गुड सिंगर, सो फार ओनली इन द बाथरूम, तो देखते हैं क्या होता है. वेल ऑनेस्टली फिलहाल जब आप एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, तो आपका एक जो पैशन है, आपका जो विजन है, उसे बरकरार रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल. तो यहाँ पे मुझे लगा कि अगर इस प्रोजेक्ट को मुझे सही तरीके से ट्रीट करना है, तो इट्स बेटर इफ आई ओनली प्रोड्यूस इट. क्योंकि अगर मैं जाके किसी और को कहानी सुनाऊँगा, फिर वो बोलेंगे ठीक है 3 महीने के बाद आओ, 6 महीने के बाद आओ, ये चेंज करो, इसे कास्ट करो, उसे ले लो, दे लॉट ऑफ इंटरफेरेंस. तो मुझे लगा कि इफ़ आई हैव क्रिएटिव कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट, तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने प्रोड्यूस किया है. ओके, जो ये स्टोरी है जो आपने लिखी है, जी, तो ये किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से बेस्ड है या फिर ऑलरेडी आपके माइंड में था? नहीं, ये एक्चुअली बिल्कुल किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं है. ये कम्प्लीटली वर्क ऑफ फिक्शन है. इनफैक्ट ये एक ऑथर की कहानी है, जो उनका एक नया किताब है जो अभी लॉन्च होने वाली है, तो उसके ऊपर है. पर वो थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिक है, स्प्लिट पर्सनालिटी वाला बंदा है, तो उसे पता नहीं है कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है, और उसके किताब के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनकी जिंदगी में क्या घटनाएँ घट रही है. तो ही गेट्स रियली मिक्सड अप द होल, सो द होल फिल्म इज़ अबाउट दैट. इट्स माइंड बेंडिंग थ्रिलर. एक्चुअली आई मीन एक एक्टर के तौर पे आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने आप को समझाइए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ बैनर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रू, वॉट एवर, स्क्रिप्ट इज किंग. तो अगर आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है, तो वहाँ से आप एक प्रोजेक्ट को सक्सेस के और ले जा सकते हो. बट इफ़ योर स्क्रिप्ट इज़ ओनली वीक इन द फर्स्ट प्लेस, चाहे वो कमर्शियल या मासी हो, चाहे वो थोड़ी मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए क्यों ना हो, बट योर स्क्रिप्ट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग. सो आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी अ फिल्म लाइक दंगल, विच चाहे वो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स या मल्टीप्लेक्स के लिए, सबके लिए बनी हुई थी, तो वो पैन इंडिया ऑडियंस के लिए थी. तो आई थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल. वेल, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो. एक तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेंटेन करो कि आपके एक्टर्स एक अच्छे मूड में रहे, आपका डायरेक्टर जो है वो अच्छा मूड में रहे. बिकॉज इफ़ एवरी इज अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, फिर जो उनसे आप काम निचोड़ के निकलवा सकते हो वो अच्छा होगा. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली, अब अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि इट्स नॉट रेनिंग, वेदर इज़ गुड, प्रेफरेबली सनी, ओवरकास्ट नहीं हो, बिकॉज नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है शूट करते समय. एंड थर्ड थिंग, वेल एज आई सेड, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके राइटर्स, आई मीन इस केस में राइटर मैं ही हूँ, बट जो आपके राइटर्स ने स्क्रिप्ट लिखी है, यू शुड फॉलो दैट. बिकॉज कई बार क्या होता है कि यू नो लाइक बहुत सारे अलग अलग लोग अपने ओपिनियंस, अपनी राय देते हैं, और खिचड़ी बनते बनते वो दही बन जाती है ना, तो कुछ और ही बन जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कागज़ पे आपने लिखा हुआ है, यू हैव टू गो अहेड एंड मेक दैट ओनली. ओके, जो फिल्म है आपकी शॉर्ट फिल्म, तो ये आप इसे
हाँ अभी 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 तो फिलहाल प्लान है ऐसे यूट्यूब और फेसबुक पे हम अपलोड करेंगे. ये एक्चुअली 4 चैप्टर्स में बनाई गई कहानी है, तो आई थिंक वी आर स्टिल डिसाइडिंग कि शायद हम एक साथ भी ना रिलीज करें. चैप्टर के हिसाब से हम लोग हर हफ्ते में शायद एक आध चैप्टर डालेंगे, तो लेट्स सी टू बिल्ड द क्यूरियोसिटी. जी वेल ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ. जब हम इसके लिए शूट कर रहे थे तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना सक्सेसफुल होगा, कि लोग इसे इतना पसंद करेंगे, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. बट अभी हम लोग लौटेंगे अगले साल season 2 के लिए, तो अभी वो एक प्रेशर सा भी आ गया है. मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते कि सर वापस कभी आएंगे, इनसाइड एज वायु राघवन वापस कभी आएगा. सो वो अभी एक प्रेशर है, तो आई थिंक इट्स अ गुड काइंड ऑफ प्रेशर, बिकॉज आई थिंक इस प्रेशर की वजह से जितने भी लोग इनसाइड एज के थ्रू पॉपुलर हुए हैं, दे विल वॉन्ट टू डू इवन बेटर वर्क नाउ. तो अच्छा है. एक्चुअली कई सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस डायरेक्टर्स आजकल क्या होता है कि लोग आपको डायरेक्टली कॉल भी नहीं करे तो ठीक है, बिकॉज उन लोग जहाँ पे उन लोग इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे सोशल मीडिया पे जाके इजहार करते हैं कि लाइक यू नो इनसाइड अच्छा लगा, इनका कैरेक्टर अच्छा लगा, तो दैट फील्स गुड. क्रिकेटर्स आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट नो एनी क्रिकेटर्स इन रियल लाइफ, तो उसके बारे में पता नहीं. नो ना, बिकॉज आई मीन वो एक एक्टर के लिए थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है अगर आप लेके चलोगे, बिकॉज ही इट्स नॉट अ बायोपिक. आई मीन ये जैसे अजहर या धोनी जैसे बायोपिक तो नहीं है ये. आई मीन ये किसी एक या दो शख्स पे शख्स से इंस्पायर नहीं है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कैरेक्टर का सुर था आई हैड टू फाइंड दैट फ्रॉम विद इन. ऑफकोर्स डायरेक्टर और राइटर्स के साथ बैठ के हम लोग डिस्कस करते थे, बट आई डिडंट गेट इंस्पायर्ड बाय एनीवन. ऑफकोर्स मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ, तो वो सबकॉन्शियसली जब आप टीवी पे आप अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखते रहते हो तो सबकॉन्शियसली आप शायद थोड़ा मैनरिज्म्स या कुछ इम्बाइब कर सकते हो, बट इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट. सी आई डोंट थिंक कि न्यू कमर्स को वेलकम नहीं किया जाता है. आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज किसी ना किसी टाइम पे तो आज के जितने भी मशहूर सुपरस्टार्स है, कलाकार है, वो सब के सब न्यू कमर्स ही तो थे, और इफ़ दे वर नॉट वेलकम देन दे वो नॉट बिकम सो पॉपुलर एंड सो फेमस. सो दैट्स नॉट ट्रू, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू कीप वर्किंग वेरी हार्ड डे इन एंड डे आउट. देयर नो ऑफ डेज कि आप सोचो आज संडे है तो चलो चिल मारते. यू हैव टू एंड यू नेवर नो यार, आई मीन कि विच प्रोजेक्ट विल चेंज योर करियर पाथ एंड योर डेस्टिनी. वर्क हार्ड. एक्चुअली नहीं, स्टार्टिंग तो नहीं, आई मीन वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड शूटिंग द शॉर्ट फिल्म, तो अभी हम इसे रिलीज करने के लिए तैयार हो रहे हैं. अभी करंटली पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो वी शॉट इट इन मुंबई, इन पुणे एंड इन लोनावला. उन्होंने ये 7 दिन का शूट था सब मिला के. तो आई मीन नो इट्स अ शॉर्ट फिल्म, तो हम लोग इसे ऑनलाइन इसे रिलीज करेंगे, मल्टीप्लेक्स में तो रिलीज नहीं करेंगे वो तो. एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने इतना आगे सोचा नहीं है, बिकॉज फ़िलहाल तो हम बस चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस हो इस फिल्म के लिए. इस फिल्म के लिए आई थिंक ऑनलाइन इट्स मेड फॉर ऑनलाइन ऑडियंस, तो वहाँ पे अगर रिस्पॉन्स अच्छा हो तो देन इट विल इंस्पायर द टीम कि आगे जाकर हम इससे भी हटके फिल्म बनाएंगे, छोटे या फीचर फिल्म जो भी हो. वेल थैंक यू फर्स्टली फॉर ऑल द लव आपने जो इनसाइड एज को दिया, वायु राघवन जो मेरा किरदार था उनको दिया, और ये जब मेरी शॉर्ट फिल्म जिक्सॉ रिलीज़ होगी तो प्लीज़ जाके उसे ऑनलाइन सर्च करिए. प्लीज़ अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ किसी को रेकमेंड ना कीजिए, बट होपफुली आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू.
क्या आप? Slowly, when I say na, slowly walk towards this side, and guys, I'll be moving now. Okay.